आपके घर है, मैंने इसको पहली बार देखा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात की है, गलत नहीं किया ना, कुछ नहीं किया, हमें गलत नहीं किया, जंगल में पूछा ना कैसे घर कहाँ से आ गया। दोस्तों एक चोर है बच्चों को चुरा करके बच्चों को बेच देता है, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ऐसी दिल दहलाने वाली वीडियो दिखा रहा हूं। दोस्तों जिस वीडियो को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, इस वीडियो में एक आपको चोर नजर आएगा और चोर कोई साजो सामान नहीं चुराता है बल्कि बच्चों को चुराता है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो याद रखना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एक शहर से दूसरे शहर तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि जनता जो है जागरूक हो सके और ऐसे गद्दार चोरों से सावधान रह सके जो कि बच्चों को चुरा करके या तो उनको बेच देते हैं या फिर उनकी किडनी वगैरह निकाल करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों पहले आपको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो में एक शख्स है जिन्होंने एक बैग लिया हुआ है और उस बैग में उन्होंने एक बच्चा भर रखा है और उस बच्चे को लेकर के वो जा रहा है तो एक महिला की नजर उस पर पड़ती है और उस महिला की नजर पहले भी कई दफा उस व्यक्ति पे पड़ चुकी है कि वो बैग लेकर के जाता है तो महिला को उन पर डाउट हुआ और महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लड़के वहां पर पहुंच गए। देखो भैया कुछ ना कुछ है क्या बैग में, मेरे को डाउट है, रोने की आवाज आई थी मेरे को बच्चे की। एक मिनट अरे कुछ नहीं है, मेरे बैग में यार कपड़े हैं। ये देखो, ये देखो, ये बच्चे को रखा है अंदर, बाप रे, ये तो बहुत गंदी बात है। देखो ये क्या, ये कपड़ा है, कपड़े में ये कपड़ा है, ये कपड़ा, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसमें तेरे पे छुआ नहीं है। ये तेरे को शर्म नहीं आ रही तुझे? यहाँ चिल्लाते नहीं लोग आते यहाँ पर, ये पुलिस को बुला, लड़की को इसको पकड़ के रखो, कुछ हो जाता है, कैमरा तो बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, यहाँ पर पुलिस बुला। कैसे दो तीन बार देखा है? ओए कितने बच्चे चुरा एक वीडियो बना रहा है हमने सोशल मीडिया भाई, तो बंद तो करो भीड़, कैमरा बंद होगा। सही से बता कहाँ से, कहाँ से लिखा? एक मिनट अभी बहुत पीछे रोड उठाया है, कहाँ से उठाया? रोड पर से पीछे। क्यों क्या बोला उठाया था, क्यों उठाया, क्या करते हैं बच्चे को, क्या करते हैं बच्चों को? बेचता हूँ भाई मैं, कहाँ बेचता है, बच्चे बेचता है? हाँ भाई, नहीं कहाँ बेचता है, जिनके बच्चे हैं तो उनको बेच दूँ मैं उनको, और जिसकी बेटी है उसका क्या होगा भाई? मुझे नहीं पता भाई, आगे ले आया बस। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने बैग में कपड़े भर रखे, मैं कपड़े बेचता हूँ। लेकिन बाद में खुलासा ये हुआ दोस्तों, जब उसका बैग छीन करके उसकी चैन को खोला गया तो उसमें एक मासूम सी एक लगभग 5 से 6 साल की एक बच्ची है, जिस बच्चे को कपड़े की तरह तोड़ मरोड़ करके उस बैग के अंदर दबा रखा है और उसका मुंह भी बांध रखा है और उस बच्ची को वो चोर ले जा रहा है बेचने के लिए। कि ज़कात और सदका निकालना तो ज़रूरी है, यदि कोई भिखारी आपके घर आता है तो उसको चंद पैसे या फिर आटा अनाज वगैरह आप दे सकते हो, लेकिन इतनी पहचान जरूर करना कि ये जो लोग होते हैं इन शक्ल जो है ये कुछ हमारे इलाके से हट करके इनकी शक्ल इसका चेहरे की बनावट होती है। लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों को रोक करके पूछने की कोशिश करें कहाँ से आया है, क्या बैग में माल है। ऐसी कुछ महिलाएँ भी जो है समाज में डोल रही हैं जो कि घिनौनी टाइप की महिलाएं होती हैं और इसी तरीके की ये गंदे टाइप की जो ये जेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों को कृपया करके आप रोकने की कोशिश करें। इनके हाथ में चादर वगैरह कुछ सामान होता है, दूसरे इनके पीठ पर जो है बैग लटका होता है, बैग के अंदर हो सकता है किसी का बच्चा छुपा पड़ा हो, इसलिए आप लोग ये ना समझे कि कपड़ा बेचने वाला है, उसको एक बार पूछने की कोशिश करें, तफसील से जानकारी लें आखिर वो कहां से आया है, कौन है। यदि वो बंदा सही निकलता है, उसके पास अपनी आईडी होती है, तो उसको जाने दीजिए, जो वो काम करना चाहता उस काम को करने दीजिए। यदि वो बंदा डाउटफुल है और वो चोर है लुटेरा है तो दोस्तों फिर आपको 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को मैसेज देना है और ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।